कमेटी के निर्देशन पर। आज इस सम्मेलन में पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष, ये पीसीसी के हमारे ऑफिस बेरर, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, ये सारे लोग उपस्थित हैं। और इसकी शुरुआत आज जहाँ कांग्रेस के झंडा तुरंग के साथ इसकी शुरुआत हुई और मोहन मरकाम जी का अध्यक्षीय भाषण, स्वागत भाषण और अध्यक्षीय भाषण के रूप में मेरा उद्बोधन हुआ। पुनिया जी का भी उद्बोधन हो चुका है। मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नवचिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन, और इसमें अब आने वाले जो सेकंड हाफ है और कल है, इसमें तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर संकल्प, जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही होंगे, अब विधायक लोग गिन लीजिए, युवा मंत्रिमंडल के बाद विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आ गया, अंडर 50 होंगे। सर, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको वाकवर दे दिया, मगर जनता कांग्रेस ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया है। अब वो अपने भाला के उनके कोई सदस्य थे नहीं, लेकिन अब मैं हूँ ये बताने के लिए उन्होंने, मैं भी हूँ ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा कर लिया होगा, ऐसा सोचता हूँ। अलग मुझे जो जानकारी मिली, शायद फार्म रिजेक्ट भी हो गया था, स्कूटनी हो गया था, तीन बजे तक। हाँ तो स्कूटनी तो हो गया, तो एक फार्म, 3 फार्म तो है, 3 फार्म की स्कूटनी करने में कितना समय लगता है। हाँ जी, मोदी सरकार के 8 साल से जश्न मनाया जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक लेके जाएंगे। उनकी उपलब्धियाँ क्या है? नोटबंदी, उनकी उपलब्धि क्या है? GST, उनकी उपलब्धि क्या है? लॉकडाउन, रसोई गैस, गैस और पेट्रोल डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, यही उनकी उपलब्धि है, तो इसको बताना चाहिए उनको। वो उस विभाग के मंत्री हैं क्या? यदि ऐसा बोले हैं तो फिर वो स्पष्ट करना चाहिए कि उसमें क्या लाना चाहते हैं, क्या है। एक लाइन बोल देने से बात तो बनेगी नहीं, उसकी ठोस कार्य योजना बनानी होगी और क्या योजना है उसके बारे में खुलासा होना चाहिए। हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने की चर्चा है। अच्छा, आपसे पता चल रहा है मुझे। अमित जोगी ने लगातार के जमीन पर बेचने का आरोप लगाया है। चलिए, और कोई बात? ठीक है, थैंक यू।